हेलो चिल्ड्रन बहुत बहुत स्वागत बहुत बहुत प्यार और आज इस वीडियो के द्वारा हम सीखेंगे विभाज्यता के नियम पर आधारित प्रश्न बच्चों मैंने विभाज्यता के नियम पर पहले भी दो वीडियोस बनाए हैं जिसे मैंने ये सब नियम आपको समझाए हैं कि कौन कौन सी संख्याएं दो से पूरी पूरी विभाजित होंगी कौन कौन सी संख्याएँ तीन से होंगी पाँच से होंगी उनके लिए क्या क्या नियम हैं तो इस वीडियो को देखने से पहले आप उन दो वीडियोस को जरूर देखिए ताकि इस तरह के प्रश्नों को समझने में आपको बहुत आसानी हो सके तो चलिए मैं साथ साथ थोड़ा थोड़ा नियम भी आपको एक्सप्लेन करते रहूँगा और इन क्वेश्चंस को हम देखेंगे कि हम इसको कि, किस तरह से हल करें तो चलिए यहाँ पर जो सबसे पहले प्रश्न है यहाँ पर लिखा है कि निम्न में से कौन सी संख्याएँ दो से पूरी पूरी तरह विभाजित हो जाएंगी पहली संख्या हमारे पास नौ सौ छिहत्तर नौ सौ छिहत्तर अब हमें ये देखना है कि क्या ये नौ सौ छिहत्तर दो से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी या नहीं तो जैसा कि मैंने पहले के वीडियोज़ में आपको समझाया था कि जिन संख्याओं में इकाई का अंक शून्य दो चार छ या आठ होता है वह संख्या दो से पूरी पूरी विभाजित हो जाती हैं। इसलिए अब यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर इकाई का अंक कितना है छः देखिए नियम में भी यह है कि अगर इकाई का अंक किसी भी संख्या का इकाई का अंक छः होगा तो वह संख्या दो से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी तो हम कह सकते हैं कि नौ सौ छिहत्तर दो से पूरी पूरी तरह विभाजित हो जाएगी इसी तरीके से आप देखिए छः सौ सत्तर इसमें इकाई का अंक शून्य है और आपको पता है अगर किसी संख्या का कोई संख्या कितनी भी बड़ी हो अगर उसकी इकाई का अंक शून्य है तो वह संख्या दो से विभाजित हो जाएगी तो यह छः सौ सत्तर भी दो से पूरी पूरी तरह विभाजित हो जाएगी इसी तरह आप ये देखिए तीसरा प्रश्न है आठ इसमें इकाई का अंक देखिए आप कितना है तीन है जबकि हमें मालूम है कि जिन संख्याओं का इकाई का अंक शून्य दो चार छः या आठ होता है वही संख्याएं दो से विभाजित होती हैं लेकिन यहाँ पर इकाई का अंक तीन है इसलिए यह संख्या दो से विभाजित नहीं होगी तो इस तरह से जो बाकी यहाँ पर प्रश्न दिए हैं इन प्रश्नों में आप ये देखिएगा कि इकाई का अंक क्या है अगर इकाई का अंक इनमें से ज़ीरो दो चार छः या आठ में से कोई भी है तो वह दो से विभाजित हो जाएगी और अगर उस संख्या का इकाई का अंक इसके अलावा यानी एक तीन पाँच सात नौ है एक तीन पाँच सात या नौ है तो वह संख्या दो से विभाजित नहीं होगी तो अब बाकी प्रश्नों को आप आसानी से कर सकते हैं तो चलिए बढ़ते हैं हम प्रश्न संख्या दो की तरफ यहाँ पर है कौन सी संख्याएँ तीन से पूरी पूरी विभाजित हो जाएंगी तो मैंने जैसे पहले भी वीडियो बताया था कि तीन से कौन सी संख्याएँ विभाजित होती हैं और उसके बारे में काफ़ी डिटेल से आपको समझाया था थोड़ा मैं यहाँ पर संक्षेप में आपको बता देता हूँ कि तीन से कौन सी संख्याएँ विभाजित होती हैं वह संख्याएँ जिनके अंकों का योग तीन से पूरी पूरी तरह बट जाता है वह संख्याएँ जिनका अंकों का योग तीन से पूरी पूरी तरह बढ़ जाता है वह संख्या तीन से पूरी पूरी बढ़ जाएगी देखिए इसको ऐसे समझते हैं कि आठ इसके अंकों का योग देखिए इसमें तीन अंक हैं इनके अंकों का योग कितना होगा इनको जोड़िए इन अंकों को इसमें तीन अंक हैं सात तीन और आठ इन तीन अंकों से बनी संख्या है ये तो अगर हम इनको जोड़ेंगे यानी आठ तीन और सात को हम जोड़ेंगे तो आठ और तीन ग्यारह और सात अट्ठारह अब हम ये देखेंगे कि ये अट्ठारह तीन से बांटता है या नहीं देखिए आपको मालूम है कि अट्ठारह तीन से बढ़ जाता है तीन छः के अट्ठारह छः बार बाँटता है इसलिए यह आठ सौ सैंतीस भी तीन से बट जाएगा इसी तरह अन्य प्रश्न भी हम कर सकते हैं जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं दूसरा ले लेता हूँ आपको एक चार नौ तीन एक हज़ार चार सौ तिरानबे इसमें अंकों का जोड़ देखेंगे हम एक धन चार धन नौ धन तीन इसको जोड़िए चार और एक पाँच नौ और पाँच चौदह और तीन सत्रह अब आपको मालूम है कि सत्रह जो है ये अभाज्य संख्या है ये तीन से भी नहीं बटेगी अन्य किसी संख्या से भी नहीं बटेगी क्योंकि इनके अंकों का जोड़ हमारा सत्रह आया है एक हज़ार चार सौ तिरानबे में जो अंक हैं उनका जोड़ सत्रह आया है और ये सत्रह तीन से नहीं बढ़ता है इसलिए ये एक हज़ार चार सौ तिरानबे भी तीन से पूरी पूरी तरह नहीं बटेगा तो इसी तरह जो अन्य यहाँ पर आपको संख्याएं दी हैं तो आपको करना क्या है आपको सिर्फ़ उनके अंकों को जोड़ना है और ये देखना है कि उनका जो योग आया है वह तीन से बढ़ता है या नहीं अगर उन अंकों का योग तीन से बढ़ जाता है तो वह संख्या भी तीन से बढ़ जाएगी और अगर उन संख्या किसी संख्या के अंकों का योग तीन से नहीं बढ़ता है तो वह संख्या तीन से नहीं बटेगी इसी तरह अब यहाँ पर आइए कि कौन सी संख्याएं चार से पूरी पूरी तरह पूरी बढ़ जाएंगी तो चार के लिए आपको नियम मालूम है कि चार के लिए हम ये देखते हैं कि इसकी इकाई और दहाई से जो संख्या बन रही है जैसे यहाँ पर ये ले लीजिए आठ सौ हमें यह देखना है कि ये संख्या चार से पूरी पूरी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी तो हम पूरी संख्या को ना देकर सिर्फ इकाई और दहाई के अंक लेंगे तो इसमें इकाई का अंक है चार और दहाई का अंक है नौ इससे जो संख्या बनी यानी हमारे पास बनी चौरानबे अब हम ये देखेंगे कि चौरानबे चार से पूरी पूरी बटती है या नहीं तो चार से अगर हम इसको बांटें तो चार दुनी आठ और यहाँ पर एक बचेगा और चार को हम यहाँ उतार लेंगे चौदह और चार किया बारह और दो बचा शेष इसका मतलब कि ये चौरानबे चार से पूरा पूरा नहीं बटता है इसलिए यह आठ सौ चौरानवे भी यह पूरी संख्या भी चार से पूरी पूरी नहीं बटेगी तो आपको सिर्फ क्या करना है कितनी भी बड़ी संख्या दी गई हो उसका सिर्फ इकाई और दहाई से बनने वाली संख्या को देखना है और तब उसको चार से बांटना है अगर वह संख्या इकाई और दहाई के अंकों से बनी हुई वह संख्या चार से बढ़ जाती है तो पूरी पूरी संख्या वह पूरी संख्या चार से बढ़ जाएगी चलिए हम इसको एक और एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं जैसे यहाँ पर चलिए एक बड़ा सा कोई ले लेते हैं संख्या ये ले, ले लेते हैं सोलह हज़ार तीन सौ अड़तीस देखो बच्चों कितनी भी बड़ी संख्या हो आपको अगर ये देखना है कि ये चार से बटेगी कि नहीं तो आपको सिर्फ इसके इकाई और दहाई के अंकों को लेकर जो संख्या बन रही है जैसे यहाँ पर इकाई और दहाई के अंकों को लेकर जो संख्या बन रही है वो बन रही है अड़तीस इसको आपको चार से बांटना है तो आपको मालूम वैसे भी चार से नहीं बटेगा क्योंकि चार का पहाड़ा अगर बोले तो चार नंबर छत्तीस और चार दहाई चालीस यानी यह चार से नहीं बढ़ती है अड़तीस इसलिए सोलह हज़ार तीन सौ अड़तीस भी चार से नहीं बटेगी और चार के लिए एक और नियम है कि वह अगर किसी संख्या का इकाई और दहाई का अंक शून्य शून्य यानी इकाई के स्थान पर भी शून्य है और दहाई के स्थान पर भी शून्य है तो वह संख्या चार से पूरी पूरी बढ़ जाएगी जैसे यहाँ पर है नौ हज़ार तो देखिए इसमें इकाई का अंक भी शून्य है और दहाई का अंक भी शून्य है नौ हज़ार तो ऐसी कोई भी संख्या जिसमें इकाई और दहाई का अंक शून्य शून्य हो वह चार से बढ़ जाएगी तो इस तरह आई होप कि इन क्वेश्चंस को आप समझ गए होंगे इन सॉल्यूशंस को और बाकी क्वेश्चंस आप खुद कर लेंगे अब बढ़िए इसमें कि कौन सी संख्याएं पाँच से पूरी पूरी बढ़ जाएंगी यानी हम क्वेश्चन नंबर चार के तरह देखिए पाँच से वही संख्याएं पूरी पूरी बढ़ती हैं जिनमें इकाई का अंक शून्य या पाँच होता है आपको सिर्फ इकाई का अंक देखना है तो यहाँ पर आप देखिए कि जैसे यहाँ पर एक हज़ार नौ सौ नब्बे पहली संख्या दी है एक हज़ार नौ सौ नब्बे इसमें इकाई का अंक शून्य है जैसे मैंने आपको बताया था इकाई का अंक शून्य या पाँच है तो यह संख्या पाँच से बढ़ जाएगी क्योंकि यहाँ पर इकाई का अंक शून्य है इसलिए आप कह सकते हैं कि यह एक हज़ार नौ सौ नब्बे पाँच से बढ़ जाएगा इसी प्रकार एक हज़ार सात सौ पिचासी इकाई का अंक पाँच है यह भी पाँच से पूरा पूरा बढ़ जाएगा लेकिन आप ये देखिए तीन हज़ार दो सौ छः इसमें इकाई का अंक छः है इसलिए यह पाँच से नहीं बढ़ेगा इसी तरह आप अन्य क्वेश्चन को भी कर सकते हैं अब आइए देखते हैं कि कौन सी संख्या छः से पूरी पूरी विभाजित हो जाएंगी देखिए बच्चों जो संख्याएँ दो और तीन दोनों से पूरी पूरी बढ़ जाती है वह संख्या छः से भी पूरी पूरी बढ़ जाती है तो चलिए देखते हैं कि जैसे यहाँ पर हमारे पास है तीन हज़ार एक सौ बत्तीस अब हम देखेंगे कि क्या यह संख्या दो और तीन से पूरी पूरी बढ़ रही है तो देखिए इसमें इकाई का अंक दो है तो जैसे आपको पता है कि अगर इकाई का अंक दो है तो वह संख्या दो से पूरी पूरी बढ़ जाएगी इसका मतलब तीन हज़ार एक सौ बत्तीस दो से तो पूरी तरह से बढ़ जा रही है अब हम ये देखते हैं क्या यह है संख्या तीन से भी पूरी पूरी बढ़ रही है तो यह देखने के लिए कि तीन से पूरी पूरी बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है इसके अंकों का जोड़ करेंगे तो तीन और एक चार चार और तीन सात सात और दो नौ तो इनके अंकों का जोड़ आया नौ अब आपको मालूम है कि नौ तीन से पूरा पूरा बढ़ जाता है तीन या नौ तो इसका मतलब यह है कि तीन हज़ार एक सौ बत्तीस ये तीन से भी पूरी पूरी तरह बढ़ जाएगा तो हम कह सकते हैं कि तीन हज़ार एक सौ बत्तीस दो से भी पूरी तरह बढ़ जाएगा और तीन से भी पूरी पूरी तरह बढ़ जाएगा तो जो संख्या दो और तीन से पूरी पूरी तरह बढ़ जाती है तो वह संख्या छः से पूरी पूरी, पूरी बट जाएगी इसका मतलब कि ये जो तीन हज़ार एक सौ बत्तीस है यह छः से पूरी पूरी तरह बढ़ जाएगी विभाजित हो जाएगी ऐसे देखिए आप जैसे छियासठ है आपको मालूम है इकाई का अंक छः है तो दो से तो पूरी तरह बट ही जाएगा छियासठ और इनका इसको अगर जोड़ेंगे अंकों का जोड़ छः और छः बारह बारह तीन से बढ़ जाता है तीन छः के बारह इसका मतलब कि छसठ दो से भी बढ़ता है और तीन से भी बढ़ता है इसलिए यह छः से भी पूरा पूरा बढ़ जाएगा तो इसी तरह आप अन्य प्रश्नों को भी कर सकते हैं हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर छः की तरफ क्वेश्चन नंबर छः में आपके पास यह है कि कौन सी संख्याएं सात से पूरा पूरा बटेंगी इसमें पहला प्रश्न है दो सौ बावन ठीक है बच्चों मैं सोचता हूँ कि ये वीडियो बड़ा हो रहा है तो अगले जो ये चार पांच प्रश्न हैं इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करता हूँ तो फिलहाल आप ये क्वेश्चन नंबर पाँच तक जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है और इसमें जो बाकी क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहे हैं मेरे एक्सप्लेनेशन के आधार पर आप बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करें थैंक्स